हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी ज्ञान को मुझे स्वागत करुच्ची। आज आम चाणक्य नीतिर गोटे श्लोक को लेकिन व्याख्या करूँ, जो अच्छी कि बुद्धिमान व्यक्ति मध्य कष्ट सही थाए, ता किपर कष्ट सही थाए संपूर्ण भाव आम से श्लोक ता व्याख्या करूँ। मूर्ख शिष्योपदेशन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितोप्येव सिद्ध्यति। अर्थात यार आम जब भावार्थ को चली आसवा, भावार्थ अच्छी मूर्ख शिशु को अध्यापना करने द्वारा, दुश्चरित्रा स्त्रीर भरण पोषण करने द्वारा एवं दुखी जन मान सहित अशिष्ट व्यवहार करने द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति मध्य कष्ट सही थाए। यार व्याख्या को जब चली आसवा, व्याख्या अच्छी आचार्य चाणक्य कहते जे मूर्ख बा बुद्धिहीन शिष्य मान उपदेश देले, दुष्ट आचरण युक्ता कुटिला नारीर भरण पोषण कले तथा दीन दुखी व्यक्ति मान सहित वास कले बा समय व्यतीत कले ज्ञानीमान व्यक्ति मध्य अपार कष्ट मिली पारे। आचार्य चाणक्य एक था पूर्णतः स्पष्ट करिसंती कि मूर्ख शिष्य को उत्तम कथा देवा हेबा पई प्रेरित उत्साहित करबा उचित नुहे। तेणु नीतिशास्त्र कहा जायछि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देले से ताकू ग्रहण करिबा बा पालन करिबा परिवर्ते क्रोध प्रदर्शन करिथाय। सेहिपरि दुष्ट आचरणकारी स्त्री सहित रहिबा मध्ये अनुचित होइथाय एवं अनुकूल भावरे दीन दुखी मानक सहित बसा उठा करिवार परिणाम मध्ये दुःखकारक हेव तथा ज्ञान रे परिपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति को मध्ये दुःख सहिबाकू पड़िथाय। एहिपरि भावरे हम एहि श्लोकर अर्थ व्याख्या आमे करि दिछु। तो यहपरी भिडटी आपंक जब पसंद लगुच, आम आग को यहपरी भिड गुड़ाक देवु नीति नीति संपूर्ण नीति बाणी गुड़ाक। तो कमेंट रे आमको निश्चय जनइब, जदि देवु ताहले यस सर नीति बाणी आमको दियंतु बोलिक तुम कमेंट लिखिबो, नहले आमे एहिपरी अन्यान्य किसी देबा में चेष्टा करिबो। रखुछु, धन्यवाद।